तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेकंड एपिसोड की हमारे ट्रैवल सीरीज की। तो अभी ये और ये भाई साहब मेरे साथ, इनकी स्कूटी का तेल खत्म हो गया यार रास्ते में ही। तो भैया एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ लेट हो गई है यहाँ पर, तो अभी वेट कर रहे हैं जो हमारा दूसरा पार्टनर है, एक और जो हमारा एक दूसरा साथी है वो अभी आएगा, फिर इसमें तेल भराएंगे, फिर आप लोग को आगे की राइड का अपडेट देंगे कि आज कहाँ निकले हैं और क्या करने के लिए निकले हैं। बन रही है ब्लॉग के साथ, ये ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये छोटे से सुसु ब्रेक के लिए। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, तुम लोग देख सकते हो हमारी स्कूटियाँ, दो स्कूटियाँ, हम चार बंदे सब अभी सुसु ब्रेक के लिए रुके थे। तो मेन बात सिर्फ इतनी सी कि हम लोग हो चुके हैं भैया लेट, हम लोग लेट हो चुके हैं हम लोग को निकलने के लिए। तो अभी जल्दी हम लोग फिर राइड करेंगे और सीधा पहुँचते अपनी मंजिल की ओर। अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो ये रोड हमारा कुछ ऐसा है, तुम लोग रास्ते में दिखा दूंगा मैं क्या क्या सिस्टम है। ले लद्दाख आ गया हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे इतने हरे पहाड़ तो नहीं होते, लेकिन इस साइड देखो नंगे पहाड़, नंगे पर्वत, हरे पर्वत, टू इन वन कॉम्बिनेशन, ये नंगा ये हरा। और देखो सामने, अगर तुम लोग को दिख रहा है अगर आंखों से तुम्हारी, तो देखो सामने बर्फ का पहाड़ दिख रहा है। हाँ हमको वही जाने का है, अभी तुम लोग को शायद ही दिख रहा होगा। सो है गाइस, तो लेट तुम लोग काफी हो चुके हैं, लेकिन तुम लोग देख सकते हो सामने भैया बर्फीले पहाड़ जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है। तुम देख सकते हो सामने बर्फीला पहाड़ और ये हम स्कूटी में, भाई बहुत ज्यादा ठंड होगी, लेट बहुत ज्यादा हो चुके हम लोग। ये देखो हमारे गोलू भाई राइड कर रहे हैं मस्त तरीके से, और आगे पुलसी है भाई बहुत सारे, देखो कैमरा छुपा ले मस्त तरीके से भाई। अभी यहाँ से दो रास्ते हमारे बंटवारा हो जाएगा वाले हैं, लेकिन हमको आधा एक घंटा लग जाएगा शायद, अगर तुम लोग को मेरी आवाज आ रही होगी तो। सबके हम लोग भाई, तो हम लोग टनल से नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो टनल निकलता है पटनी टॉप के पास, और हमको जाना है पटनी टॉप पर। तो हमने दूसरा रूट पकड़ लिया है, ठंड काफी ज्यादा है, टॉपिंग करते हुए हाथ पकड़ रहे हैं यार पूरा, बट बहुत बेसाब है, तुम तो देख सकते हो भाई जो हाथ लगा वो भी उठा के ले आए, हम तो वही लड़की वाली टोपी, तो कोई नहीं ठंड से बचना चाहिए बस। हाँ तो भाई लेह लद्दाख जाने वालों, जितने भी तुम लोग राइडर्स हो ट्रैवलर्स हो, तो अभी अभी आ जाओ, क्योंकि अब तो यहाँ पे रोड का हाईवे काम बन रहा है जो कि अच्छी बात है, लेकिन जो मेन मजा था लद्दाख का जो ऑफ रोडिंग का, वो अब खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि रोड लाइन की कंस्ट्रक्शन और हमारी सरकार की थोड़ी मदद से यहाँ पे रोड अच्छे बन चुके हैं। तो अगर तुम लोग अगर लद्दाख का सपना बना रहे हो तो अभी हो आओ, क्योंकि जिसका नाम है भाई पटनी टॉप। यहाँ से हम लोग एंटर हो चुके हैं। अब तो रात का तो हमें क्या ही दिखने वाला है, अगर जितना हम दिखा पाएंगे उतना आप तुम लोग को दिखा देंगे, बाकी व्यू तुम्हें सुबह देखने को मिलने वाला है जब हम लोग घूमने के निकलेंगे। वैसे हमने एंटर तो कर ली है, अब हम लोग को अपना होटल ढूंढने का है, वो होटल कहाँ पर है, होटल ढूंढने में टाइम लगेगा, और हाथ सुन्न हो चुके हैं भाई, जितना जितना पास जा रहे हैं पटनी टॉप की उतना उतना ठंड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हम बढ़ रहे हैं भैया अपने रूम की तरफ, रूम टूर कराएंगे, रूम टूर कराएंगे हमको। आप दिख रहा कुछ नहीं हो गए, तो सब साइड साइड में जंगल है और इधर भी जंगल है, लाइटिंग है ना आगे, देखिए ना, देख देख उठा उठा, चलो 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 चलो। तो रूम तो हमने ले लिया था, हम लोग फर्स्ट सामान लेने के लिए गए थे थोड़ा लेस वगैरह खाने के लिए दुकान दुकान से, क्योंकि रात को सोने तो कौन ही वाला है। तो ये हमारा कुछ होटल, सीधा रूम पे लेके चलते हैं आप लोग को। चलो चलिए चलिए, सुनिए तेरे पास ही, तेरे पास ही है। इसी के पास है यार, वो कहाँ जा रहा है भाई, बोल दो तो यार। हाँ तो फिर लड़की कहें पानी लेने की जो चाबी उन्हीं लोग के पास है, तो रूम नंबर है हमारा 402 की 3 पता नहीं, ये रूम है हमारा, अभी वो आएंगे फिर ये खुलेगा, उसके बाद आपको दर्शन कराए जाते हैं। तो अभी
हम दो साथ में हैं। बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा कपड़ा देख रहे हो, पांच पांच छह पहन के आए, तब भी ठंड लग रहा है यार, इतना ठंड है। तो रात में क्या ही करेंगे हम लोग, हम लोगों ने उसके वो लेट हो इसलिए हम लोगों ने रूम वगैरह ले लिया। तो अभी रूम वगैरह ले लिया हम लोगों ने, अभी कल सुबह आप लोगों को दिखाएंगे पटनी टॉप कैसा है, कैसी जगह है। तो भैया रूम खुल रहा है हमारा सागर जी के साथ, लक पिक किधर भाई, काम है उसका वो, होटल लाइन में ना सबको इज्जत से बात करनी पड़ती है। हम किचन में घुस गए थे अभी, पता है क्यों घुस गए, आपको किचन में घुसना अलाउड नहीं होता साला। टडा गाइस, ये है हमारा रूम, देख सकते हो रूम, ये तो शुरू होते खत्म हो गया। ये देखो ये सस्ता का शीशा आ गया भाई, एकदम मस्त। सस्ता नहीं बोलना इस रूम को, इस रूम का एक एक चीज लकड़ी का बना है, इसी से इसका प्राइस ज्यादा होता है। लकड़ का, लकड़ी का नहीं, हाँ लकड़ का बना, लकड़ का बना है ये हमारा, कुछ इस तरह का हमारा बाथरूम है, जो ये भी शुरू होते खत्म हो जाता है। इसका शीशा थोड़ा गंदा है भाई, जबकि इसका शीशा साफ होना चाहिए था, लेकिन इसका शीशा गंदा है। तो बताते हैं आप लोग को, अगर आगे कोई प्लान होगा हमारा लग जाएगा आप लोग को पता। अब और आप लोग को दिखाते हैं भैया हमारे यहाँ का व्यू, जो कि कुछ ऐसा है। मस्त मस्त व्यू एकदम, ये हमारे सभी भाई लोग। इसको बड़ी खुजली है काले वाले को ना, इसको आपकी आईडी कोई दिखी है ना, इसकी आईडी ब्लॉक मारना साले को, रिपोर्ट मार के। स्कूटियों के हाल, पूरी बर्फ जमी हुई है स्कूटियों पे, इस पर भी और इस पर भी। हमको भी ला, हमको भी ला यार, हमको भी ला। मस्त मस्त, हाँ भाई तुमको भी ला रहे हैं यार भाई, बड़ा खतरनाक लगा यार बर्फ। अभी आने की भी शर्त लगी, किस की स्कूटी एक शर्त में स्टार्ट होती है, देखते हैं भैया, आइए देखते हैं जाएगा। हाँ भाई देखते हैं किस की स्कूटी पहले शर्त में स्टार्ट होती है। चलिए भाई पहले कौन ट्राई करेगा, पहले ये ट्राई करेंगे, चलो करो करो स्टार्ट करो। मेरा स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, तेरा नहीं हुआ। BS4 BS6 कर स्टार्ट कर। इस मैच के विनर हम होते हैं, इस मैच के विनर गोलू साहब है। ओ अब हार चुके, मां का सुखा थी, स्टार्ट हो चुकी है। अभी आने किया था यार भाई, अभी तक विनर डिसाइड नहीं हुआ है। अब तो उसकी उसकी भैया गर्म होगी स्कूटी, तो वो भी मुझे तो भैया आप हो जाइए।